गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर करेंगे, 12 चैप्टर फ्रिक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव बीन ए ड्राइवर ऑफ ए कार और ए ट्रक स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट ए ट्रैफिक सिग्नल। आपने देखा होगा बेटा, जो ड्राइवर होता है ट्रैफिक सिग्नल पे, जो कार है ट्रक है उसका क्या होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है ना। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वैन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप भी अगर बाइसिकल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आप भी ब्रेक लगा के क्या करते हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं। हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लो डाउन द वैन ब्रेक आर अप्लाइड। तो आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम ब्रेक लगाते हैं तो भाई बाइसिकल या साइकिल या गाड़ी रुक क्यों जाती है। Not only vehicle, only object moving over the surface or another object slow down when no external forces applied on it। यानी कि आपने देखा होगा कि अगर आपने बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इधर उधर थोड़ा डाला तो वो थोड़ी देर के लिए चलेगा, फिर रुक जाएगा। Finally it stops, रुक जाता लास्ट में। Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? वही कह रही है कि अगर आपने कोई बॉल फेंकी है ज़मीन पे तो कुछ देर तो मूव करेगी, लेकिन फिर क्या होगा, फिर तो वो रुक ही जाती है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? Why do we sleep when we step on a banana peel? जो बनाना पील होता है, अगर उसके ऊपर हमारा पैर पड़ता है तो हम गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? Why it is difficult to walk on a smooth and wet floor? यानी कि गीला फ्लोर जो होता है या प्लेन बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है, उस पर चलने में हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? यू विल फाइंड द आंसर टू सच ए क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो देखिए बेटा, ये एक एक्टिविटी दे रखी है आपको फ्रिक्शन की, ठीक है? तो आप इसको देख लीजिएगा, फ्रिक्शन अपोज। चलिए हम भी देख लेते हैं इसको। इसमें क्या करना है आपको, जेंटली पुश ए बुक ऑन टेबल, आपको बुक रखनी है, ठीक है। यू ऑब्जर्व डैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस, यानी पुश करना, आपने धक्का दिया उसको तो क्या होगा, वो थोड़ी सी चलेगी। ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे थी पहले, इसने इसको पुश किया, थोड़ी सी आगे बढ़ गई, फिर क्या होगा, रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, फिर अपोजिट डायरेक्शन से करनी है। ये देखिए यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से किया है इन्होंने, तो ये यहाँ धक्का लगाया, ये यहाँ पहुँच गई, फिर रुक गई, क्या होगा? Does the book stop this time too? Can you find that an explanation? Can we say that force must be acting on the book opposing its motion? This force is called force of friction. देखिए कोई भी एक फोर्स है, मान लीजिए ये मेरे पास एक बुक है, मैंने इसको यहाँ से धक्का दिया, कुछ टाइम बाद यह रुक गई, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक और फोर्स होता है। अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अपना लगाया है तो दूसरी डायरेक्शन से एक और फोर्स आता है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी मोशन रुक जाती है। अगर हम इधर से धक्का लगाएंगे तो वो इधर से फोर्स आएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन फोर्स होगा। क्लियर है? चलिए। यू saw that if you apply the force along the left, friction acts along the right, ठीक है। अगर आप लेफ्ट में फोर्स लगाएंगे तो वो राइट में करेगा, राइट में लगाएंगे तो लेफ्ट में करेगा। इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन। इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक, यानी कि आपने बुक को इधर से धक्का दिया तो भी रुक गई, इधर से धक्का दिया लेफ्ट से दिया तो भी रुक गई। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स, यानी कि आपने जो फोर्स लगाया है उसका अपोज करता है, अपोजिट फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल। तो यहाँ पर जो फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स किस किसके बीच में था, बुक और टेबल के बीच में। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेस, अब जितनी भी सर्फेस होती हैं भाई उनके लिए फ्रिक्शन सेम होता है। इसके लिए बेटा ये एक्टिविटी दे रखी है, आप प्लीज़ इस एक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बता रखा है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होती है आपकी? स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए स्प्रिंग ऑब्जेक्ट है, इस पे हम क्या करते हैं, वेट करके और यहाँ से मेजर कर लेते हैं। ये एक्टिविटी है दो तीन, आप इसको देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से ये इसने क्या किया है, यहाँ पे बेटा यहाँ पे सेल डाली, स्लाइड करके यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे पेपर लगा दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये यहीं रुक गई है, पहले रुक गई है। और इसमें क्या था, कितनी दूर तक गई है सेल, देखो कितनी दूर तक चली गई है ना, तो बस वो वही है। इन दिस केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द टाइम, ट्राई इट रीजन। तो बेटा वही रीजन है, यहाँ पे पेपर था, वहाँ प्लेन सर्फेस थी, इसलिए वो दूर तक चला गया, फ्रिक्शन कम था और सेकेंड वाले में फ्रिक्शन ज़्यादा था।
Does the distance covered depend upon the nature of the surface on which cell move? हाँ, जिस भी उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर उस ऑब्जेक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करता है. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance travel by it? हाँ, अफेक्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि देखो ये प्लेन है, स्मूथ सरफेस है, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन कम लगा है तो ये सेल क्या है आपकी ज़्यादा दूर तक चली गई है. ठीक है, फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से होता है, दो सरफेस जो कॉन्टैक्ट में आते हैं उसकी वजह से. इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इररेगुलरिटी ऑफ देम. इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लुक इनटू वन अनदर. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surface, there are a large number of irregularities. ठीक है, rough होता है वो जो आप बोल सकते हैं खुरदरा दरदरा जो फर्श होता है उस पर क्या होगा भाई, बहुत सारे irregularities होते हैं. Number of large number होते हैं और plane पर कम होती है. So the force of friction is greater. तो यहाँ पर क्या होगा, force of friction क्या हो जाएगा, greater हो जाएगा. We see that the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. की दो surface हैं उनके बीच में जो भी है उसकी वजह से ही वो friction होता है. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. ठीक है, hard अगर उसको press करेंगे तो बढ़ जाएगा. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it, when a person is sitting on it. यानी कि अगर कोई मैट है, अगर आप उसको खींच रहे हैं तो आराम से खींच जाएगा, है ना. लेकिन उसके ऊपर अगर कोई बैठ जाए तो आप क्या उसे खींच पाएंगे? खींच तो पाएंगे पर बहुत दिक्कत होगी. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड ए हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी कि जो हैवी बॉक्स होता है उसको अगर हम एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है. इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. व्हाट इज़ ईजियर, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, टू मूव इट इज़ ऑलरेडी इन मोशन. यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर वो रेस्ट में यानी कि रुका हुआ है, आप उसको धक्का दे रहे हैं उसको ले जाना इजी है, या कोई पहले से चल रहा है धीरे धीरे और आप उसको धक्का दे रहे हैं, दोनों में से कौन सा इजी होगा? द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज टू मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. यानी कि रुका हुआ है उसको और उसको हम धक्का दे रहे हैं तो वो जो फ्रिक्शन होगा उस टाइम पर क्या कहलाएगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is measured of a sliding friction. तो ये slide करते हुए अगर आप उसी को धक्का दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, sliding friction. When the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact position on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. ठीक है बेटा, अब ये देखो. So whatever easier to move the box already in motion. तो motion में होगा क्योंकि उसमें क्या होता है, friction कम लगता है. चलिए, friction क्या है, a necessary evil. यानी कि इसकी जो ये आपका friction है ये हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, necessary है. Recall now some of your तो बेटा जो friction है, recall Now some of your experience is it is easier to hold a कुल्चर यानी कि अर्थन पोट और a glass tumbler. यानी कि किसको पकड़ना ईजी होगा, यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको या फिर ग्लास को. सपोज द आउटर सर्फेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीजी, यानी कि ग्रीज की हुई है, मतलब ये मान सकते हैं ऑयली मान सकते हैं आप. ठीक है, ऑन हैज़ ए थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल इन इट. यानी कि थिन लेयर कुकिंग ऑयल है वो. Would it become easier or more difficult to hold it? यानी कि उसको हम ज़्यादा देर तक पकड़ सकते हैं क्या? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? तो मतलब क्या है कहने का, कि जो आपका फ्रिक्शन है वो बहुत ज़रूरी है. अब देखिए, जब आप उस पर ऑयल लगा देंगे, बिना ऑयल के होगा तो आप उसको ग्लास को टम्बलर को आराम से पकड़ सकते हैं, पर अगर हम उस पर ऑयल लगा देंगे तो हमें उसको पकड़ने में डिफ़िकल्टी होगी. रिकॉल Also how difficult it is to move on the wet muddy track. यानी कि मिट्टी वाला ट्रैक जो होगा, रास्ता होगा, उस पर आप चल सकते हैं, और वेट मार्बल्स फ्लोर पर आप चल सकते हैं, किस पर इजिली चल सकते हैं. कैन यू इमेजिन बींग एबल टू वॉक एट ऑल. तो भाई चल सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो. फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, आप फिसलते जाएंगे, रुक ही नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन तो हमें रोकता है.
यू कुड नॉट रिटन विद पेन और पेंसिल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि पेन रुकेगा ही नहीं कहीं पे और हमें तो लिखने के लिए रोकना पड़ेगा. व्हेन यू योर टीचर इज राइटिंग विद चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड, इट्स रफ सर्फेस है ना, ब्लैक बोर्ड जो होता है रफ सर्फेस होता है. रफ्स ऑफ सम चॉक पार्टिकल्स विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जब हम रब करते हैं तो थोड़े बहुत चॉक पार्टिकल्स रह जाते हैं. कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड बोर्ड, अगर चॉक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता हम क्या टीचर आपके लिख पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चलना स्टार्ट कर रहा है तो वो रुक ही नहीं पाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा. हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड रोड देन दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो आपके गाड़ियाँ हैं ऑटोमोबाइल ऑटो व्हीकल्स हैं जो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा अगर वो स्टार्ट हो गए तो भाई वो चलते रहेंगे, रुक नहीं पाएंगे, अगर रुक गए तो वो चल नहीं पाएंगे, ठीक है, और अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाएंगे. यू कुड नॉट फिक्स ए नेल ऑन द वॉल, यानी कि आप दीवार पर कोई कील भी नहीं लगा सकते. और टाई और नॉट, विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल टू, यानी कि एक तरीके से तो हमारे लिए फ्रिक्शन अच्छा है, अभी तक हमने फ़ायदे पड़े उसके, लेकिन एविल यानी कि वो हमारे लिए एक खतरनाक भी है. कैसे, इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रू बॉल बेयरिंग शू सोल्स ऑफ शूज, यू मस्ट हैव सीन वॉर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो मटेरियल्स होते हैं स्क्रू हो गया, बॉल बियरिंग आपने देखी होगी ना, बॉल जो होती हैं बियरिंग गोल गोल छोटी छोटी सी बॉल होती हैं, और जूते का शोल भी आपने देखा होगा. फ्रिक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड हीट विग्रेसली रब योर पाम टुगेदर फॉर ए फ्यू मिनट, आप अपने हाथ को रगड़ेंगे तो क्या होगा, हाथ गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से होता है. हाउ डू यू नो इट फील व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच बॉक्स अगेंस्ट द रफ सर्फेस इट कैचेस फायर, आपने देखा होगा मैच बॉक्स यानी कि जो माचिस है, आप माचिस की तिल्ली को जब आप उसको उसके रगड़ते हैं रब करते हैं तो वो जल जाती है, वो फ्रिक्शन की वजह से ही जलती है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो उस पर फायर कैच नहीं कर पाएगी. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर ए फ्यू मिनट, यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं. इनफैक्ट व्हेन ए मशीन इज़ ऑपरेटेड, जब मशीन को ऑपरेट करते हैं हीट जनरेट होती है, ठीक है, और वो बहुत सारी एनर्जी उससे क्या होती है, वेस्ट भी होती है. वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन, तो मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ा कैसे सकते हैं और घटा कैसे सकते हैं. एज यू हैव बीन सी इन प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? देखा होगा ना बेटा आपने, आपने जूते का जो सोल होता है उसको देखना, उसमें क्या होता है, लाइनिंग लाइनिंग सी बनी होती है. इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर, ये किस लिए होता है, ताकि हमारे जो जूता है जो हमारा शूज़ है उसकी ग्रिप अच्छी रहे, सो डैट यू कैन मूव सेफली. सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार ट्रक बुलडोजर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड, ये देखो बेटा टायर जो होता है टायर में भी ऐसे ग्रिप बनी होती है, क्यों बनी होती है, ताकि जो फर्श है रोड है उस पर उसकी ग्रिप बनी रहे, पकड़ बनी रहे, उससे वो फिसले ना, इसलिए क्या होता है जब ये घिस जाते हैं तो इसलिए वो टायर्स चेंज करने पड़ते हैं. वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम, ठीक है, तो ब्रेक पैड होते हैं ब्रेक सिस्टम में ऑफ बाइसिकल एंड ऑटोमोबाइल्स. व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, क्या होता है बेटा जो जब आप चला रहे होते हैं साइकिल तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो उसे टच नहीं कर रहे होते हैं व्हील से, तो वो चलती रहती है, लेकिन जैसे आप ब्रेक लेवर को प्रेस करते हैं तो ब्रेक पैड्स क्या होते हैं वो टायर के उसमें आ जाते हैं और उससे क्या होता है वो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं. बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन द व्हील स्टॉप्स मूविंग, तो जो पहिया जो चल रहा होता है बंद हो जाता है. यू माइट हैव सीन डेट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट, है ना, तो वो क्या करते हैं मिट्टी से अपने हाथों को रगड़ते हैं ताकि अच्छे से उसको पकड़ पाएँ, अगर हाथ वो नहीं कर पाएंगे उनके हाथ चिकने रहेंगे तो उसको पकड़ नहीं सकते ग्रिप के लिए. जिमनेस्ट अप्लाई सम फोर सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप.
In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize. कभी कभी क्या होता है, friction बहुत ज़्यादा होता है तो उसे कम करने की ज़रूरत होती है कहीं कहीं. Why do you use sprinkling the फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? आपने देखा होगा जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उस पर हम पाउडर डाल देते हैं. क्यों डालते हैं? पाउडर डालने से क्या होता है, वो स्मूथ हो जाती है सरफेस और फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, और जिसकी वजह से हम हमारी जो जो कैरम खेलते हैं वो बहुत स्मूथली खेल सकते हैं. यू माइट हैव नोटिस डैट वैन ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर पोर्ड इन द फिंगर्स हाइंग्स ऑफ ए डोर, दैन डोर मूव स्मूथली. आपने देखा होगा घर में, ये तो लोग आज मतलब ज़्यादातर देखा ही होगा कि जो आपके गेट होते हैं वो आवाज़ कर रहे हैं या बहुत टाइटली बंद हो रहे हैं, जाम हो जाते हैं, तो उसमें ऑयल डाल देते हैं. ऑयलिंग से क्या होता है, उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर जो गेट है वो इजीली स्मूथली ओपन होते हैं. ए बाइसिकल एंड ए मोटर मशीन यूज़ ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन. तो ग्रीस यूज़ होता है. इन ऑल द अबव केसेस वी वॉन्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन. इन सब में हमने क्या किया, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया, कम किया. In order to increase efficiency, when oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine or a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of irregularities is avoided to a great extent. Movement becomes smooth. The substance which reduces friction is called lubricant. जिस सिस्टम की वजह से आपका फ्रिक्शन कम होता है उसको लुब्रिकेंट कहते हैं, जैसे ऑयल, ग्रीस हो गया, पाउडर हो गया, है ना. इन सम मशीन इट मे बी एडविजिबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, इट इज़ रिड्यूस फ्रिक्शन. तो देखिए बेटा ये लुब्रिकेंट सही है, सरफेस वन सरफेस टू हो गया आपका. ये एक्टिविटी दे रखी है, ये तो इधर है. व्हील जो होते हैं वो रिड्यूस फ्रिक्शन. व्हील क्यों करते हैं रिड्यूस, देखिए अगर इस बॉक्स को, इस बैग को सीधा लेकर आएगा तो दिक्कत होगी, लेकिन व्हील लगाने से क्या होता है, स्मूथली हम इसको खींच लेते हैं. क्यों? क्योंकि इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है. You must have seen attached the other piece of luggage fitted with roller. Even a child can put, अब बच्चा भी उसको ईजिली खींच सकता है, ठीक है. तो बेटा ये एक एक्टिविटी दे रखी है, इसको आप देख लेना. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. ठीक है, roll कर रहा है इसके ऊपर दूसरी body, rolling friction. Rolling reduces friction. It is always easier to roll on than टू ए स्लाइड बॉडी ओवर अनदर. तो इसको आराम से हम स्लाइड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं. डैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. तो भाई जो व्हील है वो हमारे लिए कितने अच्छे हैं. सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से थोड़ा छोटा होता है. स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाय रोलिंग बाय यूज द बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग छोटी छोटी बॉल होती हैं. कॉमन एग्जाम्पल आर यूज फॉर बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैन एंड बाइसिकल. तो इसमें यूज होती हैं आपकी बाइसिकल. ये देखिए बेटा ये आपके, ये यहाँ डायग्राम बना हुआ, ये देखिए. अब है एक आपका है फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, यू नो डैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, यू येट इट एग्जर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट. सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैन मूव ऑब्जेक्ट थ्रू दैम. यानी कि पानी में अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो उसका अलग फ्रिक्शन होता है, एयर का अलग फ्रिक्शन होता है. इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड. तो गैस और लिक्विड को उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं. सो वी कैन से डैट फ्लूइड एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू दैम. द फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्टेड बाई फ्लू, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैग उसका नाम है. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. यानी कि फ्लूइड के साथ साथ उसकी स्पीड पर भी डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. इट इज़ ऑब्वियसली डैट वैन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दैम. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So, objects are given to special shape. Shape के साथ shape भी इसलिए उनको अलग अलग दी जाती है friction की वजह से. Where do you think scientists get hints for this special shapes? From nature of course, birds, fishes have to move about in fluid all that time. तो बेटा उनकी जो shape है वो भी कुछ अलग ही है friction के लिए. Their body must have evolved to shape which would be make them loss energy in the overcome friction. You read about the these shape in class 6.
ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे देखिए बर्ड्स और जो आपके एरोप्लेन है, ठीक है, तो बर्ड्स और जो आपकी एरोप्लेन है, एक सेकेंड, तो इनकी जो शेप होती है वो एक जैसी होती है, ठीक है, एयर के लिए। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया कि वो की वेयरिंग ड्रैग जो होता है वो फ्रिक्शन होता है जो फ्लूड लगाता है, फ्लूड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग लुब्रिकेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग स्टैटिक, सब पढ़ चुके हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं, फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, इट एक्ट्स ऑन द बोथ द सर्फेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, फॉर द गिवन पेयर ऑफ सर्फेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द स्मूथनेस ऑफ दूस सर्फेस, फ्रिक्शन डिपेंड्स एंड हाउ हार्ड द टू सर्फेस प्रेस टुगेदर, स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इन टू प्ले वैन वी ट्राई मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम इन टू प्ले वैन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर नाइट ओवर एनदर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज सिमिलर दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ऑफ अदर एक्टिविटीज, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग ए सर्फेस रफ, ठीक है, रफ सर्फेस बना के। द सोल ऑफ द शू एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज सम लेस अनडिजायरेबल, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग, फ्लूड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप बॉडी मूविंग इन ए फ्लूड। तो बेटा यहाँ आपका जो ये चैप्टर है फ्रिक्शन ये फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।